हाय एवरीवन दिस इज़ वोनिका आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा सुंदरलाल भागुनाथ जी के बारे में है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है ये कौन थे इनके बारे में हम जानेंगे इनके साथ कौन सी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स जुड़ी हुई थी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आप इनको कह सकते हैं गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट यानी ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हुआ आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अब देखिए भागुना जी की अगर हम बात करें चिपको मूवमेंट जो शुरू हुई थी उसमें ये एक पाए थे चंदी प्रसाद भट्ट के द्वारा जब पहली बार ये मूवमेंट शुरू की गई उसको फेमस करने वाले बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ाने वाले सुंदरलाल लाल भागुना जी ही थे अब मैं एट्थ को ये हॉस्पिटलाइज़ हुए क्योंकि कोविड के लिए पॉजिटिव आए थे और फिर डॉक्टर्स ने ही कहा कि इनको को भी थी जैसे कि डायबिटीज़ हाइपर और कोविड निमोनिया हो गया था जिस वजह से लास्ट इनकी डेथ जो है मे ट्वेंटी फर्स्ट में हुई तो यहाँ पर बेंगलोर टाइम्स का ट्वीट आप देख सकते हैं इनकी एज नाइन्टी फोर ईयर्स थी पिक्चर भी आप इनका यहाँ पर देख सकते हैं और बड़े बड़े लीडर्स जरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दलाई लामा सब ने इनके बारे में ट्वीट ट्वीट भी किया और उसके बाद अमूल का ये ड्राइंग मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे डाला सुंदरलाल भागुना जी को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने लिखा वी विल ऑलवेज चिपको टू योर बिलीवस तो ये अमूल गर्ल आप देख सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से इन्होंने ये ड्रॉइंग यहाँ पर बनाई अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं इनका जन्म कब हुआ जनवरी नाइन्थ नाइनटीन ट्वेंटी सेवन मरोदा विलेज इन तेहरी यहाँ पर इनका जन्म हुआ उत्तराखंड में और इनकी पूरी लाइफ डेडिकेटेड थी सोशल इशूज़ को लेकर सोशल कॉजेज एक्टिविज़म को लेकर इन्होंने इंडिपेंडेंस डे जो मूवमेंट हैं वहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया उसके बाद जैसे जो विनोबा भावे सर्वोदया मूवमेंट थी उसमें उसका भी ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे महात्मा गांधी से ये बहुत इंस्पायर्ड थे और नॉन वायलेंस और फास्टिंग पे बिलीव करते थे झगड़े वगड़े और वायलेंट जो मीन्स रहते हैं उन पे विश्वास ना रखते हुए ये शांति के जो पथ है शांति के पथ पे चलने पे विश्वास रखते थे और महात्मा गांधी इनके पूरी लाइफ इनके रहे। इसके बाद इन्होंने श्रीदेव सुमन को भी बहुत एडमायर किया है जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द तहरी फ्रॉम डायनेस्टिक रूल के लिए लड़े उसके लिए भी इनकी बहुत एडमायरेशन थी इनकी शादी देखिए विमला जी से हुई और उन्होंने शादी भी एक शर्त पे की इनफैक्ट विमला जी भी एक सोशल वर्कर थी लेकिन एक शर्त पे शादी की कि हम पूरी लाइफ रूरल सेटिंग यानी गांव में ही रहेंगे और वहां पे एक आश्रम बनाएंगे वहीं रहेंगे क्योंकि महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड थे हिल्स और फॉरेस्ट में बहुत चलते थे अगर आप देखेंगे इन्होंने पूरी यहाँ पर देखिए फोर्टी सेवन किलोमीटर्स बाय फुट अपनी लाइफ में कवर किया है अब चिपको मूवमेंट की मैंने बात की कि उससे बहुत ही इंस्पायर ड थे चिपको मूवमेंट देखिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाने के लिए पेड़ों को बचाने के लिए एक मूवमेंट थी हिस्ट्री में कई बार चिपको मूवमेंट अलग अलग अंदाज में हुई है जैसे चिपको मूवमेंट पे एक लेक्चर मैंने डिटेल उसकी स्टोरी बताते हुए पहले भी बनाया है जैसे कि जोधपुर में बिश्नोई मूवमेंट थी वो भी कुछ चिपको मूवमेंट जैसी थी लेकिन हम यहाँ पे सुंदरलाल भागुना जी से जुड़ी हुई जो चिपको मूवमेंट है उसकी बात कर रहे हैं और ये उत्तराखंड में शुरू हुई चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि आज उत्तराखंड में उस टाइम पे उत्तर प्रदेश पूरा स्टेट होता था बाद में डिवाइड हो गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस टाइम उत्तर प्रदेश में था 1973 में आ, ये रहा और ये उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पायर थे सुंदरलाल भागुना जी और ये साइलेंट और नॉन वायलेंट मूवमेंट थी चिपको मूवमेंट जहाँ पर लोग क्या करते थे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनको जाके हक कर लेते थे एम्ब्रेस कर लेते थे राइट तो ये चिपको वर्ड भी यहीं से आया है वर्ड एम्ब्रेस करना किसी को गले लगाना तो विलेजेस जो हैं वो जाके पेड़ों को हक कर लेते थे सर्कल कर लेते थे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन भी देखा कि महिलाएं भी चिपको मूवमेंट का एक मेजर पार्ट रही महिलाएं क्यों रही देखिए इसका रीज़न यही रहता है कि गाँव में यूजली फूड और फ्यूल के लिए लोग फॉरेस्ट पे, ट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं उस टाइम रीज़न इन्वायरमेंट नहीं था लेकिन रीज़न प्रैक्टिकल रीजंस था क्योंकि लोग फूड और फ्यूल के लिए सिर्फ पेड़ों पे जंगलों पे डिपेंड करते थे उन जंगलों को भी अगर काट दिया जाएगा तो लोगों का लाइवलीहुड भी ख़त्म हो जाएगा और खाने की भी तंगी आ जाएगी और ये घर का जो लाइफ स्टा लाइफ स्टॉक का, का काम है घर में खाना बनाने का काम है एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड काम है महिलाएँ बहुत ज़्यादा संभालती थी इसलिए वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझती भी थी इसलिए यहाँ पे हमने कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन जो है चिपको मूवमेंट में वो देखा और आप देख सकते हैं कि राइट इस मूवमेंट के दौरान लोगों को अपने राइट समझ में आए कि उनके फॉरेस्ट की तरफ क्या राइट्स हैं फॉरेस्ट को लेकर उनके क्या राइट्स हैं और ग्रास रूट एक्टिविज़्म जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ जिससे पॉलिसी मेकिंग आज तक हमारी इन्फ्लुएंस होती है रिगार्डिंग इकोलॉजी एंड शेयर्ड नेचुरल रिसोर्सेज और ये सब चिपको मूवमेंट से शुरू हुआ इसके बाद देखिए कौन बनेगा करोड़पति में भी सवाल आया था विच इन्वायरमेंटलिस्ट इज क्रेडिटेड फॉर लेंडिंग द चिपको मूवमेंट इट्स स्लोगन चिपको मूवमेंट का स्लोगन क्या था इकोलॉजी इज योर परमानेंट इकोनमी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि ये जो कॉइन किया था ये स्लोगन ये सुंदरलाल भागुना जी ने ही किया था और चिपको मूवमेंट के बाद सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में इन्होंने इकोलॉजी और इकोसिस्टम का क्या इम्पॉर्टेंस है लोगों को समझाया और इन्होंने यह चीज़ बताई कि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आप इन्वायरमेंट को ख़त्म करते जाएंगे या फिर सिर्फ इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे यानी इकोलॉजी इकोनॉमी साथ साथ चलनी चाहिए तभी एक देश तरक्की कर सकता है इसी चीज़ को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं और यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं फेमस चिपको मूवमेंट का द सिंबल जो इन्होंने दिया था क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार मिट्टी पानी और बयार ये हैं ज़िंदगी के आधार तो ये स्लोगन्स थोड़ा पोइटिक फॉर्म में आप देख सकते हैं और अवार्ड्स भी इनको मिले थे जैसे जमुना लाल बजाज अवार्ड 1986 एटी सिक्स राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1987 पद्म विभूषण 2009 ये अवार्ड जिनको मिले हैं इनका लिटरेरी वर्क भी है जैसे धरती की पुकार द रोड टू सर्वाइवल इन्वायरमेंट क्राइसिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इंडियाज इन्वायरमेंट मिथ एंड रियालिटी तो लिटरेचर में भी आप देख सकते हैं काफ़ी काम इन्होंने किया है देखिए क्योंकि ये एक फेमस पर्सनैलिटी थे जिनकी अभी डेथ हुई है कोविड की वजह से तो क्वेश्चन इस पर क्योंकि चिपको मूवमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रही है हाँ, हिस्ट्री की तो यहाँ ये इससे रिलेटेड है और एग्जाम में कुछ बुक्स और लिटरेचर वर्क पे भी सवाल आता है तो आप उसको याद रख सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं तहरी डैम पे सॉरी तहरी डैम बनी है रिवर भागीरथी पे जिसके बहुत डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस रहे हैं ये उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन की थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट फास्टिंग की थी फिफ्टी डेज तक ये भूखे रहे थे और यहाँ पे जस्ट इन अ पिक्चर न्यूज एटीन का क्रिएटिव है यहाँ पे क्रेडिट कोस न्यूज एटीन तो देख सकते हैं एज थर्टीन में इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया एज सेवेंटीन में ये जेल भी गए फ्रीडम स्ट्रगल को लेके एज ट्वेंटी टू में सोशल एक्टिविस्ट थे जो उस टाइम के उनके साथ जुड़े और सोशल वर्क का काम किया अनटचेबल्स के लिए स्कूल खोला ट्वेंटी नाइन में इन्होंने विमला नोटियाल जो कि सोशल वर्कर थी उनसे शादी की थर्टी थ्री पे विनोबा भावे जी के साथ uh, काम किया फोर्टी में फोर्टी प्लस uh, में आप देख सकते हैं इन्वामेंटल एक्टिविस्ट के बतौर इन्होंने uh, के तौर पर इस काम किया और 94 में ही पास अवे और यहां पे अब है आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर चिपको मूवमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है तीन स्टेटमेंट्स हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑन द हिमालयन स्लोप्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स से बचाने के लिए प्रोटेक्शन जो ट्रीज़ को थी मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये था दूसरा सवाल इट वाज मूवमेंट वेयर ओनली फीमेल एक्टिविस्ट प्लेड अ रोल सिर्फ फीमेल जो लेडीज थी जो फीमेल थी उनका ही मेन रोल रहा इस मूवमेंट में और नंबर थ्री है गौरा देवी सुदेशा देवी बाचिनी देवी आर ऑल एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँ कि आप वहाँ पे क्विज में पार्ट ले सकते हैं राइट तब तक थोड़ा कॉमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता नहीं तो आप वहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं यही था हमारा आज का डिस्कशन कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे और उसके बाद आप कोर्सेज की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए सारी जानकारी आपको Thank you so much.